वरुण के बिहेवियर को देखकर प्रेम को थोड़ा सरप्राइज फील हुआ। एक प्लेट शाही कबाब भी बहुत क्वांटिटी के साथ आते हैं। जो बहुत ज्यादा खाता है उसके लिए भी दो प्लेट शाही कबाब काफी है। लगता है बोनो का पेट बहुत बड़ा होता है, तीसरी प्लेट के बाद शायद इसका पेट पूरा भर जाए। लेकिन मैं इस बात को लेकर ज्यादा श्योर नहीं हूं। मुझे इस दुनिया के लोग ज्यादा समझ में नहीं आते, उनके मन में कब क्या चल रहा होता है ये वो ही जानते हैं। मुझे तो बस अपना काम करने में मन लगाना चाहिए, प्रेम ने मन में सोचा। प्रेम को भले ही डाउट हो रहा था लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ भी दिखने नहीं दिया। उसे बस अपने कस्टमर को अच्छा फूड सर्व करना था। उसने सर हिलाया और कहा, ठीक है सर, मैं अभी आपके लिए एक प्लेट शाही कबाब और बनाकर लाता हूं। उसने खाली प्लेट टेबल से उठाई और किचन की तरफ जाने लगा। वरुण एक के बाद एक शाही कबाब खाता जा रहा था। उसका सर नीचे झुका हुआ था और वो एक एक करके कबाब का स्वाद ले रहा था। जितना ज्यादा वो खा रहा था उतनी ज्यादा उसे खुशी हो रही थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि इतने डिलीशियस फूड में मिडिल ग्रेड रिकवरी पोर्शन जैसी क्वालिटी भी हो सकती है। उसे ऐसा लगने लगा कि अगर वो लगातार शाही कबाब खाता है तो उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो वो आने वाले दर्जन भर सालों तक काम कर सकता है। उसकी बॉडी शाही कबाब खाकर बहुत ही हील्ड महसूस कर रही थी। उसे ऐसा आज के पहले कभी नहीं लगा था। रिकवरी पोशन में भी थोड़ी देर को तो अच्छा लगता है लेकिन ज्यादा देर तक ऐसी फीलिंग नहीं रहती। लेकिन कबाब के कारण उसकी बॉडी में एक कांस्टेंट एनर्जी जैसा कुछ फ्लो हो रहा था। वाओ बोने दादाजी, आप तो ग्रेट हैं। आप 3 प्लेट कबाब खा सकते हैं, मैं तो इतना कभी नहीं खा सकती। तो आप में इसीलिए इतनी ताकत है। रिया ने मुंह खोलकर पूरे सरप्राइज और एक्साइटमेंट में वरुण की तरफ देखा। वरुण ने अपना सर ऊपर किया और रिया की तरफ देखा। पहली बार रिया उससे नाराज नहीं थी और ना ही उसके चेहरे पर मायूसी थी। वरुण उसके सामने काफी फ्लैटर्ड फील कर रहा था और बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा था। उसने अपने मुंह का कबाब खत्म करके कहा, इस टाइप के शाही कबाब मेरे लिए 3 प्लेट खाना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो ऐसे 4 प्लेट खा सकता हूँ। मैं नॉर्मल लोगों से बहुत ज्यादा खाता हूँ। मेरी बॉडी को बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसीलिए तो मेरे मसल्स इतने स्ट्रांग हैं। क्या सच में? रिया के चेहरे पर बहुत ज्यादा सरप्राइज वाली फील आ गई थी। उसकी आंखें शाइन करने लगी थीं। वरुण पहले थोड़ी देर हेजिटेट करता रहा लेकिन रिया की शाइनिंग आंखें देखकर बोला, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं 4 प्लेट शाही कबाब बहुत आराम से खा सकता हूं। इसमें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तुरंत रिया किचन की तरफ मुड़ी और जोर से शाउट करते हुए बोली, पापा दादाजी कह रहे हैं वो 4 प्लेट शाही कबाब खाएंगे, उनके लिए एक एक्स्ट्रा प्लेट और बना दीजिए वरना उनका पेट नहीं भरेगा। अरे रुको, वरुण ने रिया के एक्साइटमेंट भरे चेहरे को देखा। उसे अब कुछ अजीब महसूस होने लगा। रिया की आवाज सुनने के बाद प्रेम किचन से बाहर झांका और बोला, सर क्या ये सच कह रही है? प्रेम बाहर से बहुत काम दिख रहा था लेकिन अंदर से उसका मन बहुत खुश था। रिया ने उसके पहले कस्टमर को ही 4 प्लेट शाही कबाब खाने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा काम करना सबके बस की बात नहीं होती। वरुण अब थोड़ा एम्बेरस्ड फील कर रहा था। वो भले नॉर्मल लोगों से ज्यादा खा सकता था लेकिन 2 प्लेट शाही कबाब से उसका पेट थोड़ा तो भर गया था। 3 प्लेट कबाब खाकर उसका पूरा पेट भर जाता और अगर वो 4 प्लेट कबाब खाता है तो शायद उसके पेट में थोड़ी भी जगह नहीं बचेगी। वो थोड़ी देर चुप रहा और सोचता रहा, दादाजी आपने कहा था कि आप 4 प्लेट शाही कबाब खा सकते हैं। अगर आप अपने वर्ड से पीछे हटे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको 4 प्लेट कबाब खाते हुए देखना चाहती हूँ। मैंने पहले कभी किसी को इतना ज्यादा खाते नहीं देखा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप इतना सारा खा सकते हैं। मैं जरूर देखना चाहूंगी, रिया ने बड़े प्यार से वरुण से कहा। वरुण अब खुद को थप्पड़ मारना चाहता था। ओह, मैंने क्यों बिना सोचे अपनी इतनी बड़ी बड़ी तारीफें कर दी। अगर मेरे सामने कोई और बैठा होता तो मना करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन ये बच्ची ये बहुत खुश है।
और मैं इसकी खुशी नहीं छीनना चाहता। अब शायद मुझे 4 प्लेट शाही कबाब खाने ही पड़ेंगे। आखिर जा तो मेरे ही पेट में रहे और ये वाकई में बहुत टेस्टी है। मुझे लगता है मैं 4 प्लेट तो आराम से खा ही सकता हूँ और इससे मुझे बहुत एनर्जेटिक भी फील हो रहा है। थोड़ी देर हेजिटेट करने के बाद वरुण ने मुट्ठी बांधते हुए कहा, हाँ मेरे लिए 1 प्लेट शाही कबाब और बना दो। वाह दादाजी, आपने एक ऑर्डर और कर दिया। रिया खुशी से ताली बजाने लगी, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वरुण ने अपने मन में सोचा, मुझे आखिर हो क्या गया है? मैंने शायद इससे अच्छा फूड पहले कभी खाया हो, लेकिन मेरा पेट ऑलमोस्ट भर चुका है। अब बस इस बच्ची के खुशी के कारण ही मैंने ये ऑर्डर किया है। इस लड़की की खुशी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर मैं 1 प्लेट कबाब और खाता हूँ तो शायद इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आखिर मेरे कारण ये लड़की कितना खुश नजर आ रही है। प्रेम ने सर हिलाया और कहा, ठीक है सर, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं जल्दी आपका ऑर्डर लेकर आता हूं। प्रेम किचन की तरफ मुड़ा और कबाब बनाने की तैयारी करने लगा। उसने फ्रिज में से सामान भी बाहर निकाल लिया। उसे रिया का चेहरा देखकर बहुत खुशी हो रही थी। रिया की आंखें प्यार से भरी हुई थी। ये सब रिया के कारण ही तो हो रहा है कि मेरे पहले कस्टमर ने 4 प्लेट शाही कबाब ऑर्डर किए। रिया बहुत अच्छी बेटी है, वो वाकई में मेरी मदद कर रही है। उसके बिना मैं शायद अपना मिशन कभी पूरा कर ही ना पाऊं, प्रेम ने मन में सोचा। प्रेम ने एक एक करके 2 प्लेट शाही कबाब सर्व किए और रिया आंख लगाकर वरुण को खाते देख रही थी। वरुण ने जैसे ही कबाब का लास्ट बाइट लिया, उसने एक बड़ी सी डकार ली। 4 प्लेट शाही कबाब खाने के बाद भी उसका पेट इतना भी भरा नहीं लग रहा था जितना कि उसने सोचा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसका जीवन आज के दिन पूरा हुआ है। 4 प्लेट शाही कबाब खाने के बाद उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। प्रेम बस वहां खड़ा खड़ा देख रहा था। उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसका फूड किसी को इतना पसंद आया। वरुण की प्लेट अब पूरी खाली हो चुकी थी और यह सब प्रेम को एक अचीवमेंट हासिल करने जैसा लग रहा था और वो इस बात से बहुत खुश था। कुक बनना इतना भी बुरा नहीं है, मुझे कुक बनने में काफी खुशी हो रही है। इसमें मेरे स्किल्स भी अच्छे हो रहे हैं, मैं अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ भी दे पा रहा हूं और मेरे कारण और लोग भी काफी खुश हो रहे हैं, प्रेम ने मन में सोचा। इधर वरुण ने देखा ही नहीं था कि रिया उसकी टेबल के पास आकर खड़ी हो गई है। रिया वरुण की तरफ देख रही थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, दादाजी अगर आपका पेट भर गया हो तो प्लीज आप 2400 कॉपर के सिक्के पे कर दीजिए। हाँ क्यों नहीं बेटी, लेकिन मेरे पास इतने ज्यादा कॉपर के सिक्के नहीं है। मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें 2400 सोने के सिक्के देता हूँ। वरुण ने अपने कपड़ों में से पर्स निकालते हुए कहा, सोने के सिक्के? रिया थोड़ी देर को फ्रीज हो गई और फिर वो प्रेम की तरफ मुड़ी और बोला, पापा 2400 सोने के सिक्के और 2400 कॉपर के सिक्के, इनमें से ज्यादा क्या है? प्रेम रिया की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, वो बिल्कुल बराबर है बेटा, 1 सोने का सिक्का 100 कॉपर के सिक्कों के बराबर होता है। इसका मतलब अगर दादाजी हमें 2400 सोने के सिक्के दे रहे हैं तो वो 2400 कॉपर के सिक्कों के बराबर ही होगा। अच्छा ऐसा होता है, रिया ने सोचते हुए कहा। ये रहे तुम्हारे 2400 सोने के सिक्के। वरुण ने अपने हाथ से रिया के छोटे हाथों में सिक्कों को एक के ऊपर एक रखते हुए कहा, वाओ ये कितने अमेजिंग है। रिया की आंखें चमकने लगी थी। वो सिक्कों को बजाती हुई टेबल की तरफ गई और एक एक करके सिक्के गिनने लगी। वरुण ने अपनी नजरें रिया से हटाई, अपना हैमर उठाया और टेबल से उठ गया। वरुण प्रेम की तरफ देखकर बोला, तुम्हारे शाही कबाब बहुत अच्छे थे, मुझे तुम्हारा नाम नहीं याद आ रहा है, तुम्हारा नाम क्या है? प्रेम। प्रेम ने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। प्रेम मन ही मन में सोच रहा था, इसका एटीट्यूड काफी गुस्से वाला है, फिर भी कितने अच्छे से बात करता है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वरुण को थोड़ा सा आश्चर्य भी हुआ। उसने मन में सोचा, बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने नाम के साथ अपना सरनेम नहीं बोलते। इस गांव में तो लगभग सभी अपने नाम के साथ सरनेम ऐड करके बताते हैं। ये पहले टाइप के लोगों में से है, शायद इसे अपना सरनेम बताना पसंद नहीं। वरुण ने स्माइल करते हुए कहा
ठीक है फिर, मैं तुम्हें प्रेम कहूंगा और मेरा नाम वरुण है। तुम चाहो तो तुम भी मुझे बूढ़े दादाजी कह सकते हो, और हाँ, मैं यहाँ दोबारा खाने आऊंगा। प्रेम ने स्माइल करते हुए जवाब दिया, ठीक है सर, आपसे जल्दी मिलूंगा दोबारा। वरुण बाहर जाने ही वाला था, उतने में वो रुका और रिया की तरफ मुड़कर बोला, बेटी मुझे वरुण दादाजी बुलाना, बौने दादाजी नहीं। ठीक है बौने दादाजी, अब मैं आपको वरुण दादाजी बुलाऊंगी। रिया ने बिना सर उठाए जवाब दिया। वो अभी भी सिक्के गिनने में बिजी थी। ये बच्ची कितनी नौटी है। वरुण मुड़ा और आगे बढ़ने लगा। वो सोच रहा था, ये बच्ची शायद ही कभी गलत होती है। पहले वो गलत लग सकती है, लेकिन एक बार सोचने पर वो हमेशा सही लगती है। ये कितनी अडोरेबल है, मुझे बार बार स्पीचलेस कर देती है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। प्रेम ने टेबल साफ की और रिया की तरफ देखने लगा। वो लगातार सिक्के गिनते जा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे रिया को अच्छे फूड के साथ साथ पैसे भी बहुत पसंद थे। कितनी शातिर और चालाक है, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा जा सकता। ये बस पापा की छोटी सी गुड़िया है। प्रेम किचन में गया और प्लेट धोकर अपने लिए लंच प्रिपेयर करने लगा। थोड़ी ही देर बाद प्रेम किचन से बाहर आया और अपने हाथ में एक प्लेट शाही कबाब लिए टेबल पर बैठ गया। उसकी बेटी अभी भी सिक्के गिनने में बिजी थी। वो बड़ा मन लगाकर सिक्के गिन रही थी। उसे इसमें बहुत मजा आ रहा था। रिया ने प्रेम की तरफ देखा और थोड़ा सैड होकर बोली, पापा मैं एकदम यूजलेस हूं आपके लिए। मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती, है ना?